राम राम किसान साथियों, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देव पाटीदार और आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक फटक में। किसान साथियों, आवक का नज़ारा देख सकते हो। सोमवार 4 सितंबर को रतलाम कृषि उपज मंडी में 1290 वाहन हो चुके हैं और ये कल ही आ चुके थे और अभी मंडी गेट बंद है और देख सकते हो आप, ये लास्ट वाहन यहाँ पे लगा हुआ है मंडी में 1294 देख सकते हो आप, ये कल के वाहन है। और किसान साथियों, आज आवक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मंडी गेट बंद है, बाहर भी वाहन खड़े हुए हैं, बाहर का भी आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा। और देख सकते हो आप आवक रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की, ये सेठ किसान साथियों, ये वाहन इधर सोयाबीन और गेहूं के जो वाहन लम होते हैं उधर वाहन लगे हुए हैं, क्योंकि सोयाबीन और गेहूँ का जो मंडी है वो बंद है, अनाज मंडी पूरी बंद है और प्याज और लहसुन की मंडी चालू है। चलते हैं अब बाहर की ओर किसान साथियों। किसान साथियों, आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, मंडी के बाहर लाइन लगी हुई है, लगभग 100 वाहन बाहर भी खड़े हैं और अंदर 1300 वाहन है किसान साथियों, और टोटल मिला के 1400 वाहन आज रतलाम कृषि उपज मंडी के नीलामी के लिए आए हैं और मंडी गेट बंद है। बात का आप ध्यान दें और अब अपना वाहन लेकर ना आए किसान साथियों, और इससे कहीं ना कहीं किसानों को ही नुकसान है। किसान जो ज़्यादा अगर वाहन आते हैं तो बाज़ार में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिलती है। देखते हैं आज क्या बाज़ार खुलते हैं और आप आवक का नज़ारा देख सकते हो रतलाम कृषि उपज मंडी से। गेट के बाहर वाहन लगे हुए हैं और मंडी गेट बंद है, देख सकते हो किसान साथियों।